और हमारा टॉपिक जो चल रहा था द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें हम चल रहे थे। तो ये आज हमारा है लेक्चर थर्ड, तो इसमें हम चलते हैं द्विघात समीकरण। ये हमारे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो के मूल होंगे, यानी कि क्या इसके मूल हो सकते हैं, किस तरीके के मूल हो सकते हैं, हम उसके बिहाफ पे बात करते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो में और देखते हैं क्या है आज का टॉपिक में। तो द्विघात समीकरण इस तरीके की दी हुई है, इसके मूल हो सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल हो सकते हैं, कितने दो मूल हो सकते हैं, कितने मूल हो सकते हैं द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल हो सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें कोई से भी दो मूल मान सकते हैं। कैसे, जैसे एक अल्फा एक बीटा या ए कोमा बी, जो आपकी इच्छा करे आप उन्हें मान सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल हो सकते हैं, एक अल्फा हो सकता है और एक बीटा हो सकता है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं कि मूलों के समीकरण के किस तरीके से करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि कोई भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों के योग गुणनफल का योगफल किस तरीके से हो सकता है, तो इसके लिए हमारा एक सूत्र होते हैं, दो तीन सूत्र हैं, उन्हें लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या है हमारे द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर यह द्विघात समीकरण है हमारी, तो इस द्विघात समीकरण के किस तरीके के मूल होंगे। अगर द्विघात समीकरण हमारी इस तरीके की और उसके अगर दो मूल मैंने मान लिया अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का योगफल क्या लिखवाया मैंने, पहला मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूल मैंने कौन कौन से मांगे थे, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस की बी मैंने कैसे लिखा, माइनस के बी इस तरह से लिख रहा हूं कि बी जो है यानी कि एक्स का गुणांक, द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पे देख सकते हो कि बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक जो इसके मल्टीपल में लिखा होता है, जो इसके मल्टीपल में लिखा होता है। तो इस तरीके का, तो मूलों का योगफल का सूत्र होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड लिख लेते हैं, मूलों का गुणनफल, क्या लिख लेते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, क्या बोला मैंने, C अपॉन A, यानी कि C क्या है हमारा, अचर पद, कौन सा पद, अचर पद, अपॉन में A वही द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हमारे द्विघात समीकरण के दो मूलों के जो सूत्र थे, एक पहला था मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। तो इसमें यही था, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और मैं उस क्वेश्चन के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर टू जो है मैंने अपने अपने ही नोट्स में दिखाया हुआ, ये देख लो ऊपर की तरफ क्या है, एक्स प्लस, इसी क्वेश्चन को उतार लेता हूँ और मैं इसको समझाता हूँ आपको। ठीक है, क्या ना, x प्लस थ्री अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या यह द्विघात समीकरण है, देखते हैं। चलिए तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आएगा इसका x, इधर की तरफ एक से जब एक्स को काटेंगे तो एक्स एक्स बाहर जाएगा, तो एक्स की मल्टीप्लाई जब एक्स में होगी तो एक्स की पावर कितनी जाएंगी, टू प्लस के थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स और एक्स की पावर में जब मल्टीप्लाई होती हैं तो मल्टीप्लाई में जो इनकी पावर होती है ना, ये आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स की पावर तीन, तो ये टोटल आ गया एक्स की पावर तीन माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे इस फॉर्मेट जो मैंने फॉर्मेट लिखा है बराबर में, इस फॉर्मेट को ये बताती नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी एनसीईआरटी की बुक से लेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का ही। इसमें क्वेश्चन है आपका, इसमें हम क्वेश्चन फिफ्थ ले लेते हैं, पहले का पांचवा पार्ट। कौन सा? फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं क्या है। 2x-1 देन x-3 इज्क्वल टू x+5 देन x-1। क्या यह एक द्विघात समीकरण है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम आपस में इन ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से, देख लो। ये जब फर्स्ट वाला है, पहले हम इसकी इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। अगर आप जानते हो तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बाकी अन्ना देखते रहें चुपचाप। फिर इस वाले की इसकी इसमें करेंगे, फिर इसी की इसमें करेंगे, नेक्स्ट इसकी भी सेम इसी पैटर्न से मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। तो चलो, 2x की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 2x2। 2x की इसमें करेंगे कितना, माइनस के, 2 3 जा 6x, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा +3 इज्क्वल टू x2-kx+5x-5। ये आ गया। चलो, 2x2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x2। चलो कोई नहीं, मैं अगले बता देता हूँ। माइनस के x2, ये माइनस के 6x है, उधर कितना है प्लस के, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस के एक्स। यहाँ कितना है माइनस के एक्स है, इधर की तरफ आ जाएगा तो माइनस के 5x, इधर की तरफ प्लस के 3 है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 5 इजिक्वल टू 0। ये आ गया मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। तो 2x2-x2-6x इधर से की तरफ से जाएगा प्लस के एक्स, ये माइनस का एक्स, इधर की तरफ से जाएगा माइनस के 5x, इधर की प्लस का 3, इधर की तरफ माइनस के 5। बाकी अब अपने आप कैलकुलेशन करो, 2x2-x2 गए x2, माइनस के 6x और माइनस के 5x, और ये तो कितने हो गए माइनस के 12x, 12 में से एक गया तो कितने बचेंगे माइनस के 11x, 6 5 11 और एक 12 में से एक गया 11, वो भी माइनस के, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, माइनस की। और ये तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, 5 और 3 8, यानी कि 5 और 3 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 8 इजिक्वल टू 0। तो आप मुझको बता सकते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है? अब तो आप जान गए होंगे कि एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमारे पैटर्न था कौन सा, ax2+bx+c=0 को, ये पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच। और जिन दोस्तों की अभी तक पढ़ाई नहीं हो पा रही है हाई स्कूल की, जो 2022 को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, और आप उनको दिखा सकते हैं और दे सकते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। धन्यवाद दोस्तों।